अप्लाई अप्लाइंग केवीएल इन द लूप, अप्लाइंग केवीएल इन द लूप ए बी सी ए, अप्लाइंग केवीएल इन द लूप ए बी सी ए, ए बी सी ए में आपको केवीएल लगाना है। तो ए से जब बी तक जाएंगे तो फोर है और करंट क्या है आई टू, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा फोर आई टू। फिर आप देखेंगे ए से बी तक गए, फिर बी से जाएंगे सी तक, तो बी से सी तक जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन भी है, हम भी यही जा रहे हैं भाई, ए से बी फिर बी से सी फिर सी से ए, तो ए से बी गए तो करंट का डायरेक्शन भी है और मैं भी ऐसे ही जा रहा हूँ तो फोर आई टू। फिर बी से सी तक जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन भी है और हम भी ऐसे ही जा रहे हैं तो टू इंटू आई टू प्लस आई थ्री, वो भी प्लस का, प्लस का टू इंटू आई टू प्लस आई थ्री। फिर जो सी है, सी में आप देखिएगा कि सी से फिर मैं ए तक जा रहा हूं तो हम भी ऐसे जा रहे हैं और करंट का डायरेक्शन भी ये, तो वन इंटू आई वन, वन इंटू आई वन। लेकिन जो टर्मिनल है वो पहले नेगेटिव वाला पढ़ रहा है तो माइनस का टेन लिखेंगे, पहले पॉजिटिव टर्मिनल पढ़ता मेरे पाथ में तो मैं प्लस का टेन लिखता, तो ये हो गया माइनस का टेन इज इक्वल टू जीरो। अब इसको आप एक्सपेंड कर दो तो फोर आई टू प्लस टू आई टू प्लस टू आई थ्री प्लस वन आई वन, माइनस टेन को उधर ले जाओ तो प्लस का टेन, तो वन आई वन टू आई टू प्लस फोर आई टू कितना हो गया सिक्स आई टू प्लस टू आई थ्री इज इक्वल टू टेन। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर वन, वन आई वन प्लस सिक्स आई टू प्लस टू आई थ्री इज इक्वल टू टेन, इक्वेशन नंबर वन हो गई। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारी क्या अप्रोच होगी, कि मैंने इस वाले लूप की बात करी, अब मैं इस लूप की बात करता हूं कि अप्लाइंग केवीएल इन द लूप ए सी डी ए, अप्लाइंग केवीएल इन द लूप ए सी डी ए, ए सी डी ए में केवीएल लगाइए, तो जैसे ए से सी तक जा रहे हैं तो जब ए से सी तक जा रहे हैं तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल पड़ रहा है तो प्लस का टेन, उसके बाद अब मैं तो ए से सी तक जा रहा हूँ लेकिन करंट की डायरेक्शन सी से ए है तो यानी कि उल्टी डायरेक्शन हो गई ना, तो वन इंटू आई वन करेंगे विद अ माइनस साइन क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो माइनस वन आई वन। उसके बाद ए सी डी ए, अब सी से डी तक जाना है तो मैं भी सी से डी तक जा रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन भी है तो पॉजिटिव, प्लस का टू इंटू आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई वन, प्लस का टू इंटू आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई वन, सी से डी तक हो गया। अब डी से ए तक जा रहे हैं तो मैं तो डी से ए तक जा रहा हूँ लेकिन करंट ऐसे आ रही है तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो माइनस का फोर इंटू आई वन माइनस आई टू, माइनस का फोर इंटू आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू जीरो। एक्सपेंड करेंगे माइनस वन आई वन प्लस टू आई टू प्लस टू आई थ्री और टू इंटू माइनस, तो माइनस का टू आई वन माइनस का फोर आई वन माइनस माइनस प्लस का फोर आई टू और प्लस टेन उधर चला जाएगा तो ये हो गया माइनस टेन, माइनस फोर आई वन माइनस टू आई वन क्या हो गया माइनस सिक्स आई वन, माइनस वन आई वन ये हो गया माइनस सेवन आई वन, माइनस सेवन आई वन। फिर आई टू देखो, टू आई टू प्लस फोर आई टू कितना हो गया प्लस का सिक्स आई टू, और आई थ्री वाली एक टर्म है प्लस का टू आई थ्री इज इक्वल टू माइनस टेन। अब क्या करेंगे कि यहां माइनस वन कॉमन ले लो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बचा सेवन आई वन माइनस सिक्स आई टू माइनस टू आई थ्री इज इक्वल टू माइनस टेन, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, सेवन आई वन माइनस सिक्स आई टू माइनस टू आई थ्री इज इक्वल टू टेन, दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू। ये मैंने दूसरे लूप में लगाया था केवीएल, तो
अब क्या करेंगे, अब हमारा तीसरा लूप बचता है ये वाला लूप, तो अब इस वाले लूप में लगाते हैं कि अप्लाइंग केवीएल इन द लूप बी ई डी सी बी। अप्लाइंग केवीएल इन द लूप आप ऐसे ले लो बी ई डी सी बी। बी ई डी सी बी इस लूप में लगाएंगे तो देखो मैं बी से ई तक गया तो बी से ई तक तो कुछ है ही नहीं रास्ते में, छोड़ दो। फिर हम जाएंगे ई से डी तक, तो ई से डी तक ये बीच में ये पड़ रहा है तो यहाँ पर पहले पॉजिटिव टर्मिनल है तो प्लस का 5 वोल्ट, प्लस का 5 हो गया। फिर मुझे क्या करना है, डी से सी तक जाना है तो मैं तो डी से सी तक जा रहा हूँ लेकिन करंट इस डायरेक्शन में आ रही है तो माइनस लगाएंगे, -2 × I2 + I3 - I1, -2 × I2 + I3 - I1। फिर क्या करना है, सी से बी तक जाना है तो करंट का डायरेक्शन ये है और मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, करंट का ऊपर से नीचे अपोजिट डायरेक्शन हो गया, -2 × I2 + I3, -2 × I2 + I3 = 0, = 0 ये हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर लो तो देखो ये भी माइनस साइन है और ये भी माइनस साइन है और ये है प्लस का 5, प्लस का 5 उधर ले जाओ, इधर ले लो -1 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 2 × I2 + I3 - I1 और प्लस का 2 × I2 + I3। देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा जो है माइनस साइन है, इसमें भी इस पूरे के बाहर भी माइनस साइन है, तो मैंने -1 कॉमन ले लिया और ये +5 को उधर लेकर चला गया तो ये हो गया -5, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2I2 + 2I3 - 2I1 प्लस का 2I2 + 2I3 = 5। इसके बाद देखिए I1 वाली कौन सी टर्म है, केवल एक -2I1, तो यहाँ लिखो -2I1। फिर I2 वाली टर्म देखो 2I2 + 2I2 = 4I2 और I3 वाली टर्म 2I3 + 2I3 कितना हो गया, 4I3, 4I3 = 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आप ये देखिए कि तीन ही वेरिएबल हैं और तीन ही इक्वेशन है, तो या तो आप इसको मैट्रिसेस के फॉर्मेट से कर लीजिए जैसे कि हमने मैट्रिसेस में करा था। मैट्रिसेस में एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी करना पड़ता है तो आपको ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो लंबा पड़ेगा वो मेथड। इससे ज्यादा बेटर ये है कि जैसे इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 दे रखा है ना, तो इसमें कोई एक इक्वेशन पकड़ो और उसके एक वेरिएबल को बाकी के दो वेरिएबल्स की टर्म में लिख लो। कैसे करेंगे, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर देखो 7I1 6 और 2, 7, 6 और 2 काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज है, सेकंड में 1, 6 और 2 ये भी बड़ी वैल्यूज है, ये काफी छोटी लग रही है 2, 4 और 4, ये पकड़ लो आप इक्वेशन 3। इसको मैं ये कह सकता हूं कि माइनस का 2I1 को उधर ले जाओ, 4I2 + 4I3 = 5 + 2I1, तो 2I1 क्या हो गया, 4I2 + 4I3 - 5, तो I1 क्या हो गया, 4I2 / 2 + 4I3, क्या बोल रहे हो, कैसे बोलो, कुछ कट तो रहा नहीं है, दो वेरिएबल कटने चाहिए, गलत कर दिया क्या मैंने, नहीं 2I2 है, 2I2 + 2I2 4I2 ही तो है, 4I2 ही तो है, पूरा ही ठीक तो करा,
आप ये देखिएगा कि ये 2 I1 हो गया, अब 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 2 जा 4, फिर से 2 2 जा 4, तो I1 की वैल्यू क्या आ गई, 2I2 प्लस 2I3 माइनस 5/2, ये है I1 की वैल्यू। 2 और 1st इक्वेशन से इसमें 6I2 है और 6I2 है, उसमें 2I3 है, बिल्कुल हाँ, 1 और, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए एक तरीका तो ये है जिसको मैं बोलता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक चीज मुझे ये नजर आ रही है कि इक्वेशन नंबर 2 में -6I2 है और इक्वेशन नंबर 1 में +6I2 है, इक्वेशन नंबर 2 में -2I3 है और इक्वेशन नंबर 1 में +2I3 है, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। ये वाला मेथड छोड़िए, इससे ज्यादा आसान ये यहां समझ में आ रहा है, आप ये करें ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, हमने फर्स्ट और सेकंड को एक ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर क्या होगा, 1I1 प्लस 6I2 प्लus 2I3 इज इक्वल टू 10, और ये क्या है, 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10। अब जब दोनों को ऐड करेंगे, +6 माइनस का 6 कैंसिल, +2 माइनस का 2 कैंसिल, 1I1 प्लस 7I1 कितना हो गया, 8I1, और 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो I1 कितना हो गया, 2.5 एम्पियर या 5/2 एम्पियर, कुछ भी बोल दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप इसको इक्वेशन, I1 आ गया ना मेरे पास, तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, 1 में 2 में 3 में, तीनों में डाल दो, पुट I1 इन इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस में डाल देंगे, तो हमारे पास फिर 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन आ जाएगी, उनमें से कोई भी 2 इक्वेशन लेकर सॉल्व कर देना। तो देखो क्या करूंगा मैं इसमें, मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूं इसको, I1 को, तो क्या थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, 1I1 प्लस 1I1 फर्स्ट इक्वेशन थी, 1I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10, इसमें I1 की वैल्यू डालनी है, I1 क्या है, 2.5 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10, तो 2.5 को इधर ले जाओ, 10 माइनस 2.5 क्या होता है, 7.5, 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 7.5। अब ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, फिर इसको डालो आप I1 की वैल्यू अगेन, अब आप डालो इक्वेशन नंबर 2 में, हाँ मतलब कोई 2 इक्वेशन लेनी है हमको, तो आप 1 में डाल दो, 2 में डाल दो, 3 में डाल दो, या 1 और 3 में डाल दो, कोई नहीं, 3rd इक्वेशन का है वो, रही तो उसमें डाल दो, -2I1 माइनस 2I1 प्लस 4I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 5, तो -2 × I1 कितना है, 2.5 प्लस 4I2 4I3 इज इक्वल टू 5, और इधर बचा 4I2 प्लस 4I3, 2 × 2.5 कितना हो गया, 5, वो भी माइनस का, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 5, तो ये सीधा बल्कि 10 ही लिख दो एकदम, ये आपका 10 हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां पर हाँ ऐसा भी करा जा सकता है,
देखो यहां से टू ले लो कॉमन, इक्वेशन नंबर टू में आपने टू ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, 2i2 + 2i3, इज इक्वल टू 10, 2 5 10, तो 2i2 + 2i3 इज इक्वल टू 5, ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। इसको छोड़ो, अब कहिए कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम वन, इक्वेशन टू को वन में से सब्ट्रैक्ट करो तो 6i2 + 2i3 इज इक्वल टू 7.5, और 2i2 + 2i3 इज इक्वल टू 5, तो माइनस 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 ये कैंसिल, 6i2 - 2i2 क्या हो गया, 4i2, और 7.5 - 5 कितना हो गया, 2.5, तो i2 की वैल्यू हो गई 2.5/4, चाहो तो डिवाइड कर लो, 4 6 24, 25 - 24 कितना हो गया, 1 10, 10 4 2 8, 10 - 8 2, 2 0 20, 4 5 20, 0.625, i2 की वैल्यू 0.625 आ गई, या 2.5/4 बोल दो। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपका जिसमें मन करे चाहे इसमें डाल दो, इक्वेशन टू में चाहे इक्वेशन वन में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन टू, टू में डाल दो, तो 2i2, 2 into i2 + 2 into i3 इज इक्वल टू 5। अब 2 into i2 मतलब सीधा देखो 2.5/4, 2 2 4 + 2i3, 2i3 इज इक्वल टू 5, 2.5/2 उधर ले जाओ, 2i3 इज इक्वल टू 5 - 2.5/2, तो 2i3 इज इक्वल टू 5 2 10, 10 - 2.5 कितना हो गया, 7.5/2, तो ये हो गया बेटा 7.5/4 एम्पियर। इसको 0.625 एम्पियर बोल दो या 2.5/4 एम्पियर बोल दो, एक ही बात है। I1, I2 और I3 आ गया। फिर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या बताना था इसमें, करंट इन ईच ब्रांच, तो मुझे हर ब्रांच का करंट बताना है, तो हर एक ब्रांच का करंट जो है वो कैसे बताया जाएगा, देखिए करंट, और समझ रहे हो ना, ओके, करंट इन ईच ब्रांच, तो हर एक ब्रांच को उठाओ, जैसे मैं आई ए बी की बात कर रहा हूं, ए बी इस ब्रांच में करंट कितना है, I2, तो आई ए बी इज इक्वल टू I2, और I2 की वैल्यू है 0.625 एम्पीयर। चाहो तो इसको भी डिवाइड करके लिख सकते हो, 4 1 4, 7 - 4 हो गया 3 3 5 35, 4 8 32, 35 - 32 हो गया 3 3 0 30, 4 7 28, 30 - 28 2, 2 0 20, 4 5 20, 1.875, ये I3 की वैल्यू आई है। ठीक है, मतलब 2 को उधर ले गए। अब देखिएगा कि ये आई ए बी हो गया, फिर मैं बात करूंगा बी से सी वाली जो ब्रांच है, तो आई बी सी, आई बी सी में करंट है I2 + I3, I2 + I3, I2 कितना, 0.625, और I3 है 1.875, 5 + 5 10, 5 + 5 10, 1 कैरी, 2 + 7 9 + 1 10, 1 कैरी, 1 + 6 7 और 8 15, 1 कैरी, ये आ गया बेटा 2.5 एम्पीयर I2 + I3। ठीक है, 2.5 एम्पीयर। फिर हम देखेंगे कि आई सी डी, मतलब सी से डी वाली जो ब्रांच है उसमें कितना है, आई सी डी,
आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई वन, आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई वन, आई टू प्लस आई थ्री अभी अभी कैलकुलेट करा, 2.5 माइनस आई वन कितना आया था, आई वन की वैल्यू भी 2.5 थी, ये कट गया मतलब 0 एम्पियर, इसका मतलब इस ब्रांच में करंट जा ही नहीं रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आई सी ए, सी से ए में आई वन, आई वन कितना, 2.5 एम्पियर। उसके बाद बात करेंगे आई ए डी, ए से डी वाली ब्रांच में आई ए डी, आई वन माइनस आई टू, आई वन माइनस आई टू, आई वन है 2.5 माइनस आई टू कितना था, 0.625, तो 2.5 को लिख दोगे 2.500 ताकि सब्ट्रैक्शन करने में आसानी हो, और ये माइनस का 0.625, 10 माइनस 5 5, इधर 9 बचा, 9 माइनस 2 7, और इधर बचा 4, 14 माइनस 6 हो गया 8, 1.875 एम्पियर, ये आई ए डी हो गया। उसके बाद देखिएगा, फिर मैं बात करूंगा डी से ई में, तो डी से ई वाली ब्रांच हो या ई से बी वाली ब्रांच हो, इसमें भी आई थ्री है और इसमें भी आई थ्री है, तो आई डी ई इज इक्वल टू आई ई बी इज इक्वल टू आई थ्री, और आई थ्री कितना आया, 1.875 एम्पियर। बताइए जी, क्लियर है सबको, ऐश्वर्या क्लियर है, यस सर, उत्कर्ष, मिलन, कनिष्का, आर्यन? यस सर, सर क्लियर है सर, फोटो ले लो एक बार। हाँ फोटो ले लो। तो रुक गई, ठीक है सर, बेटा मिटा दो, हो खींच ली। हाँ जी, हाँ गई, जी, ठीक है ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ट्राई करें आप लोग इसमें क्वेश्चंस, और जिन बच्चों के पास एसएल अरोड़ा है, इसमें एक सेक्शन दे रखा है एग्जाम प्रैक्टिस करके, तो उस सेक्शन में जो है सारे के सारे एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं, तो वो वाले क्वेश्चन जरूर करें। हैं ये वाली बुक है ना, इसमें देख लेना। सर हाँ जी बोलो। एग्जाम्पल जो बुक में दे रखे हैं वो हट हट नहीं गए वो? नहीं हटे, कहां पर है अच्छा, मैं आपको मतलब सर बताता हूँ। इंटेक्स क्वेश्चन भी करने हैं, कौन से? हाँ इंटेक्स क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बीच हाँ में दे रखे बिल्कुल, होते हैं? अरे एनसीईआरटी का तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको कहाँ पहुंचना है, इसमें हर तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे चैप्टर खत्म होता है ना, मैं आपको पेज नंबर नोट करा देता हूँ। हाँ अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखिए बेटा पेज नंबर 3.15, 3.155, इसमें यहां पर लिखा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये टैक्स बेस्ड एक्सरसाइज। इसमें क्या है कि जैसे ये सबसे पहले इन्होंने वन मार्कर्स दे रखे हैं, जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, ये पहला क्वेश्चन है वो किसी बोर्ड में नहीं आया है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये ICSE 96 हमारे काम का नहीं है, ठीक है, ये पंजाब बोर्ड है क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 अगर दिखाई दे रहा है, स्टेट द कंडीशन इन विच टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस अ सेकेंडरी सेल इज इक्वल टू 8 CMF, सीबीएसई डेली 2000, सीबीएसई स्पेशल पेपर 2015, CBSE 92, CBSE 2002, CBSE 2014, ठीक है। तो जितने भी सीबीएसई वाले इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें आप ये देखो, ये एक एक नंबर वाले इन्होंने लगभग लगभग पिछले ना 20 साल के कंपाइल कर रखे हैं, और एक एक नंबर वाले 92 क्वेश्चंस हैं, और सभी क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं ये पीछे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फिर यहाँ पर आंसर दे रखा है। तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, चैप्टर पढ़ने के बाद में आप खुद से एक बार ट्राई करिए, जो नहीं होते उनके आंसर दे रखे हैं, और जो कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, हिंट दे रखी है कि गो थ्रू दिस टॉपिक ऑन पेज नंबर दिस, उस पर ये मेंशन कर रखा है इन्होंने। तो जैसे ये सबसे पहले एक एक नंबर वाले 92 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस,
ये यहाँ पर अगला सेक्शन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप बी। इसमें देखो 2 और 3 मार्क्स, 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ही देखिए, सीबीएसई 2014 कंपार्टमेंट, ये इसमें आया था। अगला क्वेश्चन ये वाला हमारे काम का नहीं है, इसमें आ जाओ सीबीएसई 2005। फिर अगला देखिए सीबीएसई फॉरेन बोर्ड 98। फिर ये सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली, मतलब जो हम लोग आउटसाइड दिल्ली वाले हैं, तो 2013 में भी आया, 13 की कंपार्टमेंट में आया, 15 की कंपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आपने बुक ले रखी है ना, तो आपको किसी तरीके का कोई सैंपल पेपर वगैरह या लास्ट ईयर पेपर लेने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं ये कहता हूँ कि चलिए हमने ये कर लिया, ये 12th के हिसाब से बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद अच्छा एक और बुक भी आती है, प्रदीप प्रदीप फिजिक्स, वो भी अच्छी है। आगे लॉन्ग आंसर वाला सेक्शन है। लॉन्ग आंसर वाला, जब ये सारा कुछ हो जाएगा और जब आपकी 12th हो जाएगी, आपको आपको लगे कि आपका टर्म वन की तैयारी हो रही है ठीक ठाक, तो ये आगे कॉम्पिटिशन सेक्शन है। तो इसमें जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पीएमटी के भी क्वेश्चन हैं, और पिछले 20 साल के दे रखे हैं। जो आईआईटी की कर रहे हैं उनके आईआईटी के भी क्वेश्चन है, और उनका सॉल्यूशन भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सॉल्यूशन नहीं मिलता। हम अलग अलग वेबसाइट्स पर सर्च करते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पर अलग अलग तरीके से लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें बुक में जिस तरह से समझा रखा है, वैसे ही मैं भी नोट्स बनवा रहा हूँ, उसी तरीके से मैं भी समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर किसी क्वेश्चन में कहीं डाउट आएगा भी, तो मैं भी बता सकता हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं। तो इसलिए मुझे तो ये बुक ठीक लगती है, ये काम आने वाली चीज है। अच्छी वर्मा तो खैर बढ़िया है ही, तो कोई सर, जवाब। हाँ जी हाँ, बस ये है, देखो एचसी वर्मा में थोड़ा सा बस ये है कि थोड़ा और हायर लेवल हो गया। सर हाँ जी बोलो। वो लेनी है, ऑफ वाली लेनी है जो भी आएगी सीबीएसई के थ्रू। मैं बता दूंगा एक बार चेक करके, मैं बता दूंगा। हाँ जी इसमें हाँ देखो रिवीजन की जरूरत पड़ेगी हमें, 2 बार 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, हर चीज का रिवीजन करना पड़ेगा, और टाइम टेबल बनाकर ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो चीजें मिक्स होती हैं बहुत ज्यादा, केमिस्ट्री का फिजिक्स में, फिजिक्स का केमिस्ट्री में। मैं तो ये बताता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, एक ना छोटा सा व्हाइट बोर्ड आता है 2x2 का, वो छोटा सा व्हाइट बोर्ड लेकर ना रूम में लगा लो अपने, बहुत अच्छी बात है। और उसमें आपको क्या करना है, उसमें आप लिख लेना, 3 सेक्शन बना लेना, जैसे मैं इधर 3 सेक्शन बनाता हूँ ना पढ़ाते हुए, 3 सेक्शन बना लेना, एक मार्कर ले लेना, नहीं हो मेरे से ले जाना। तो उसमें आपको क्या करना है कि एक जगह लिख लो फिजिक्स, एक जगह लिख लो केमिस्ट्री, एक जगह लिख लो मैथ्स, और उसमें 3 या 4 टॉपिक डेली के डेट वाइज डालो कि मेरे को ये करना ही करना है। और उसमें ऐसा होना चाहिए कि 1 या 2 टॉपिक तो नए हों, बाकी के 3 टॉपिक पुराने हों, कि ये 2 टॉपिक तो आज मैं नए करूंगा, ये 3 टॉपिक मैं पुराने रिवाइज करूंगा। तो जब आप रिविजन एक हैबिट में आ जाएगा ना, आपने आज रिवाइज करा, आपने कल करा, आपने परसों करा, तो फिर आपको ये लगने लगेगा टिप्स पर होगा ये चैप्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करोगे तो बहुत मतलब, और रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इतने लगेंगे। नया टॉपिक आप वो प्रिपेयर कर लो, जैसे मान लीजिए जो केमिस्ट्री की कोचिंग में करवाया गया है, तो वही उस दिन आप नया लर्न कर लो, कि तभी तभी आपने टीचर से पढ़ा, तभी तभी आप लर्न कर लोगे। जो फिजिक्स में मैंने कराया, जो मैंने कराया वही लर्न कर लो। जैसे किसी दिन मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, तो उस दिन आपका वो लर्निंग वाला जो पोर्शन है वो कम हो गया, तो उस दिन रिवीजन वाला एक क्वेश्चन आप बढ़ा दो, एक टॉपिक बढ़ा दो। तो ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली कर लेकर चलोगे ना, तो आपको लगेगा कि मैंने डेली इफेक्टिवली मैंने डेली 1 या 1.5 घंटा ही दिया, और मेरी रिविजन बहुत अच्छे से होता जा रहा है, तो वो करना। लेकिन जहां आप गैप डाल दोगे ना कि भाई चल कर लूंगा हो जाएगा, वो तो कर लिया था, वो तो आसान था, तो वो चीज हम सबके साथ ही होता है। आप ये समझ लो बहुत आसान से आसान टॉपिक भी आप पेपर में भूल जाओगे, और पेपर देने के बाद आपको ना बस मन करेगा यार क्या करूं मैं, अपना अपने साथ में क्या करूं, ये कैसे मैं भूल गया। तो उसमें हर किसी के साथ ये होता है, मेरे साथ भी आपके साथ भी, हम फिर अपने आप को ही कोसने लगते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। ऐसा कुछ नहीं है, हम अगर डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे ना, तो बहुत आसानी से कोई भी चीज़ बड़े आराम से हो सकती है। एक मेंटल ब्लॉक होता है, देखिए चलिए अगर आप इस तरीके की कोई बात ही पूछ रहे हैं, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग करी थी, और जब मैं इंजीनियरिंग में था ना, तो 2003 में मैंने एडमिशन लिया, 2000 में मैंने 10th करा, 2002 में मैंने 12th करा, एक साल का मैंने ड्रॉप लिया। तब बड़ा ट्रेंड चल रखा था कि ड्रॉप लेंगे, और मेरे को भी बड़ा वो था कि मैं आईआईटी निकाल लूंगा, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आईआईटी नहीं निकाल पाया। आपके टाइम पर अब मेंस और एडवांस होता है, ठीक है। हमारे टाइम पर मेंस को बोलते थे प्री, उसको बोलते थे आईआईटी प्री, प्री बोलते थे, और जो एडवांस है उसको बोलते थे आईआईटी मेंस।
मैंने 1 साल तैयारी करी, 1 साल तैयारी करके मैंने प्री निकाल लिया और मैं इतना खुश हो गया फिर जैसे पता नहीं, मैं तो बस अब आईआईटी में मेरा हो ही गया। और इनफैक्ट हम जो बुकलेट आती थी आईआईटी की, मैं उसमें ये भी देखने लगा कि आईआईटी गुवाहाटी में कितनी सीट्स हैं, आईआईटी दिल्ली में कितनी सीट्स हैं, मैं वो देखने लगा। तो होता है ना भाई, 12th क्लास में भी हम कोई ऐसा नहीं है, हल्की हल्की दाढ़ी मूछ आ जाती है लेकिन अकल नहीं आती, अकल हमारी तब भी घुटनों में ही होती है, ऐसा ही है ना। तो जरा सी कोई चीज होती है तो हमारे जो घुटने हैं वो उछलने लगते हैं, बस कूदना है, बस अरे हो गया, बस प्री निकल गया हमारा, तो बस अकल तो वहीं पर थी। अब क्या हुआ कि टाइम वेस्ट कर दिया कि अरे पापा 5 मिनट को ही तो जा रहा हूँ दोस्त से मिलने, अब पता ही नहीं चला, पापा घड़ी दिखा रहे हैं कि बेटा तू गया था 5 मिनट को लेकिन तू 1.5 घंटे में वापस आया है ना। तो ये जो चीजें हैं इन चीजों में, अब आपके टाइम में, मेरे टाइम में क्या था, मेरे टाइम में दोस्ती बहुत ज्यादा थी, आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में मोबाइल फोन से दोस्ती बहुत ज्यादा हो रखी है, मोबाइल फोन में टाइम वेस्ट हो जाता है। और कुछ नहीं यार, मूड बड़ा खराब हो रहा है, चलो भाई राहुल गांधी की कोई वीडियो देख लो, अब पता चला वो एक वीडियो देखी तो ये यूट्यूब वाले इतने बदमाश हैं, वो उसी से रिलेटेड आपकी दूसरी वीडियो, यू मे ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, वो फिर एक और वीडियो आ जाएगी, एक में आलू से सोना बन रहा है, एक में वो कह रहा है कि मोदी जी को डंडे से मारेंगे, तो आपकी कॉमेडी हो गई 1 घंटे तक, आपकी कॉमेडी हो गई, हंसे जा रहे हो हंसे जा रहे हो। ठीक, आजकल एक नई मीम्स बन रही है, वो राकेश टिकैत का आजकल चल रहा है बड़ा किसान आंदोलन, नई मीम्स बन रही है कि कोई हम्प्टी डम्प्टी बोल रहा है उसको, मोटा सा है ना वो गोलमटोल है ना, कोई हम्प्टी डम्प्टी बोल रहा है, किसी में दिखा रहे हैं 3-4 छोटे छोटे बच्चे उसके गालों को छेड़ रहे हैं है ना, तो हंसी मजाक बन रहा है किसी भी चीज का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल डिस्ट्रक्शन वाली इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि आपका जो मेन चीज है आप उसी से भटक जाओगे। जैसे अभी मुझे अगला टॉपिक पढ़ाना था, मैं भटका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है, फिर भी मुझे लगता है कि शायद मैं अगर ये चीज आपको बताऊंगा तो शायद कुछ बेनिफिट हो, कोई थोड़ी बहुत चीज दिमाग में घुस जाएगी। खैर, हमने क्या करा, हमारा जो इंजीनियरिंग का वो था वो नहीं निकला है ना, प्री निकल गया, मेंस में मैं फेल हो गया, बिल्कुल सीधी बात है वही, फेल हो गया, फेल होना ही कहते हैं उसको जब एग्जाम नहीं निकलता तो फेल हो गए हम। उसके बाद यूपीटीयू का एग्जाम होता था वो निकल गया, उसमें ये था कि अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल रहे थे, एक आपने सुना होगा हरकॉट बटलर इंस्टीट्यूट, सुना है, HBTI कानपुर है ना, बड़ा जबरदस्त इंस्टीट्यूट है, अब यूनिवर्सिटी हो गया अलग, वहाँ मिल रहा था। लेकिन कोल माइनिंग होती है, कोल माइनिंग, तो ये है कि नहीं पापा उसमें ना मैं काला हो जाऊंगा, मैं कोयले की खान में काम नहीं करना चाहता। अरे भाई, कोई कोई बंदा जाता है उस ट्रेड में, वहाँ चले जाओ, पापा ने समझाया भी, लेकिन फिर मम्मी ने कहा कि नहीं, मैं ना इस 2 महीने में मैं इसका ना ट्रांजिशन देख चुकी हूँ कि ये क्या है, ये वहाँ जाते बिगड़ेगा, तो इसको अपनी आंखों के सामने रखो, इसको दूर नहीं भेजना। तो फिर हमने क्या करा कि हमारे घर के ही पास जो मेरठ में इंस्टीट्यूट है, MIET नामी इंस्टीट्यूट है, यूपी में मतलब टॉप 10 में आता है वो, वहां पर एडमिशन ले लिया। पता है भाई, HBTI का कॉल लेटर दिखा दिया कि देखो जी यहाँ पर हो रखा है, तो MIT में तो एम ही हो गया, तो वहाँ एडमिशन ले लिया। तो ये जो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं ना, और ये छोटी छोटी लापरवाहियां होती हैं, ये आपको अमेरिका से बैंगलोर, बैंगलोर से पूना, पूना से नोएडा और नोएडा से गाजियाबाद में लाकर पटक देती है। ये जो छोटी छोटी लापरवाहियां होती हैं, छोटी छोटी लापरवाहियां है, पापा 5 मिनट के लिए तो जा रहा हूँ, वो जो 1.5 घंटा था ना, वो 1.5 घंटे ने आज ये पे ऑफ करा है कि मैं गाजियाबाद में हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात, बात समझ रहे हो, ये स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आप डिक्रीज भी कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप आप ग्रेजुअली इंक्रीज भी कर सकते हैं। आज क्या है, आज भी फाइट ये है कि गाजियाबाद कोई बहुत टॉप का आप सिटी समझो, कोई बहुत अच्छा सिटी है, नहीं है, नहीं है। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा यार ये मैं कहाँ रह रहा था अब तक, है ना, यहाँ पर तो इस चीज की फाइट चल रही थी, यहाँ तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ तो अलग ही लेवल के लोग हैं, है ना, यहाँ पर तो सोच ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो सारी जो चीजें हैं, वो सारी चीजें धीरे 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 पे ऑफ करती हैं। ठीक, जैसे सभी का, अगर इंडिया की बात करें तो सभी का ड्रीम रहता है कि मैं बैंगलोर में सेटल हो जाऊं, मैं चेन्नई में सेटल हो जाऊं, मैं पूना में सेटल हो जाऊं, ठीक इंदौर में सेटल हो जाऊं, ये 4-5 जो है ये सिटीज हैं, गाजियाबाद का तो कोई नंबर ही नहीं है। ठीक, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमको बहुत आगे और बहुत पीछे ले जा सकती हैं। फिर हम कहते हैं कि नहीं भाई हमको तैयारी कैसे करनी है, तो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ ना तमीज आती चली जाती है। तो क्या हुआ कि अब हमारा जो इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स होते थे बड़े टफ होते थे, तो जो सब्जेक्ट था हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट था, आप सभी बच्चे पढ़ेंगे जो कंप्यूटर साइंस लेंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स थी, माइक्रो प्रोसेसर में मेरे नंबर इंटरनल में भी बहुत कम रह गए और मुझे ये लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं मैं पास भी हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। और ये 8th सेमेस्टर की बात है, 8th सेमेस्टर मतलब लास्ट सेमेस्टर, 4 साल की होती है इंजीनियरिंग, तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर था, एक सब्जेक्ट था इंटीग्रेटेड सर्किट जो आज मैं पढ़ाता हूँ,
ठीक है, तो एक सब्जेक्ट वो था, उसमें मेरी बड़ी हालत खराब थी। मैंने कहा पता नहीं, इसमें तो बहुत ही बुरा हाल है। और तभी भाई साहब आ गया 7th सेमेस्टर का रिजल्ट, उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट होता था, उसमें मैं फेल हो गया। तो मैं फेल हो गया, 100 में से 11 नंबर आए मेरे। भाई मैं भी तो इंसान हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं फेल नहीं हो सकता। तो मैं फेल हो गया, लापरवाही में हो गया फेल। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी, जैसे हमारा हमारा खुद का स्टाइल, हम अभी 12th क्लास में है तो हम अपना एक स्टाइल डेवलप कर चुके हैं अब तक। हमें उस स्टाइल से इधर उधर नहीं होना, हमें 12th क्लास में नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। हमें पता है कि अगर मैं बोल बोल के याद करता हूँ चीजों को, तो मुझे फिर बोल बोल के ही करना है। कोई फ्रेंड सिखाए, मम्मी सिखाए, पापा सिखाए, नहीं बेटा समझ, नहीं बेटा दिमाग में बिठा। तो अब मत पंगे लेना, आप अब तक खूब एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हो छोटी 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 क्लासेस में, कि मैंने ये करा तो मेरा ऐसा रिजल्ट आया, मैंने ये करा तो मेरा ऐसा रिजल्ट आया। तो वैसे करो और उस रिजल्ट पर पहुंचो आप, समझ रहे हैं। अभी मेरा क्या स्टाइल था कि मैं रात को जल्दी सोकर और सुबह जल्दी उठ जाता था, खास तौर पर एग्जाम्स में। तो उस एग्जाम में मैंने क्या करा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम, मैं जब रिकॉल करने लगा चीजों को, तो मैं क्या करा कि मैं रात को देर तक पढ़ा, और मैंने कहा कि चलो हो तो गया ये, अब सुबह क्या क्या बार बार रिवाइज करना। और रिवाइज भी मैं कैसे करता था कि मैं बुक को साइड में कर देता था, और मैं ना जैसे पूरा चैप्टर है या पूरा सिलेबस है, तो मैं पूरे सिलेबस के 10 टॉपिक्स इकट्ठे कर लेता था। हम पूरे सिलेबस के 10, 20, 25 या 30 वो टॉपिक्स इकट्ठे करके, और वो टॉपिक्स लिख लेता था एक जगह, और फिर मैं उन टॉपिक्स को खुद को ना, खुद को जैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं बोल बोल कर उसको समझाता था अपने आप को, कि पहले मैं ये लिखूंगा इतनी थ्योरी, फिर मैं उसमें ये डायग्राम बनाऊंगा, फिर उसको इस तरह से एक्सप्लेन करना। तो मैं ऐसे बोल बोल कर समझाता था, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था। ये काम मैंने उस पेपर में नहीं करा, और उसी पेपर में मैं फेल हुआ। बाकी बीटेक में मैं किसी भी पेपर में फेल नहीं हुआ। टोटल हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स होते थे और 8 हमारे सेमेस्टर्स थे, तो टोटल 48 सब्जेक्ट्स थे। 47 सब्जेक्ट्स में मैं एक शॉट में ही पास हुआ हूँ, एक में फेल हुआ था। अब होता क्या था कि जो एग्जाम्स होते थे वो ऐसे होते थे, अब सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनना। एग्जाम्स होते थे, जब भी यूनिवर्सिटी की डेट शीट आती थी तो एग्जाम ऐसे होते थे, फर्स्ट एग्जाम है, फिर एक दिन की छुट्टी, फिर सेकेंड एग्जाम, फिर एक दिन की छुट्टी, इस तरह से एग्जाम्स होते थे। सैटरडे संडे कुछ भी बीच में पड़े, कोई त्यौहार पड़े, पेपर होते ही होते थे। क्यों? क्योंकि जिस तरह की अब भीड़ लगती है ना, वैसी भीड़ नहीं लगती थी उस टाइम, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस लिमिटेड थे। मेरठ में 4 थे इंजीनियरिंग कॉलेज, अब शायद मेरठ में 25-30 हो रखे हैं, है ना। गाजियाबाद में तो गिनती भूल जाओ कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो हम ये कहते हैं कि मेरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बैक लग गई, और जो मेरे दो सबसे मतलब बिल्कुल हालत खराब करने वाले सब्जेक्ट्स थे, माइक्रो प्रोसेसर और इंटीग्रेटेड सर्किट, उन दोनों के बीच में वो बैक पेपर फंस गया, कि बैक पेपर आपको इसके बीच में देना है, मतलब लगातार 3 दिन वो पेपर देना है मेरे को। तो तब जो है, तब मेरे को ये हो गया, मैंने कहा गया तो मतलब लुढ़क गया इसमें, अब तो पास हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 27 मई 2007 को मेरा आखिरी एग्जाम था, 27 मई 2007 को बीटेक का फाइनल ईयर का, और 28 मई को मेरा ओरिएंटेशन था दिल्ली में IITM में। मेरा एडमिशन हो चुका था वहां का, मैं एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर चुका था, क्वेश्चन मनी जमा कर चुका था, और मेरी पहली क्लास थी 28 मई को ही। तो मेरे को ये लग रहा था कि मेरा एक दिन भी वेस्ट नहीं होगा और मेरी MBA स्टार्ट हो जाएगी। ओरिएंटेशन हमारा अरिंदम चौधरी सर ने लिया था, माने हुए मतलब मैनेजमेंट गुरु बोलते हैं उनको, तो उन्होंने हमारा ओरिएंटेशन लिया था। अब दिमाग में कई तरीके की टेंशन, तो तब मैंने ये फंडा अपनाया कि मैंने ये सोचा कि अब ये जो भी है वो सब कुछ दिमाग का ही खेल है, अब एक काम करते हैं। और 20-25 दिन थे मेरे पास एग्जाम शुरू होने में, तो जैसे 3 सब्जेक्ट्स थे ना, मैंने ये सोच लिया, मैंने कहा ये 3 सब्जेक्ट हैं ही नहीं, ये सब्जेक्ट ही एक है, ये सब्जेक्ट एक है। तो जैसे हम लिखते थे, और हर सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट होती थी, तो मैंने फर्स्ट यूनिट मैंने अपने 4-5 पेजेस लिखने लिखने शुरू करे फर्स्ट यूनिट, तो तीनों सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स लिख लिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और मेरे को यही 6 टॉपिक इस सब्जेक्ट में, 6 टॉपिक इस सब्जेक्ट में, 6 टॉपिक इस सब्जेक्ट में करने हैं। तो मैंने 18 टॉपिक्स की लिस्ट बना ली, ये करना है, ये मेरी यूनिट 1 हुई। मतलब लोगों के लिए एक सब्जेक्ट होगा, लेकिन मैंने 3 सब्जेक्ट्स को एक सब्जेक्ट बना लिया, और अपने दिमाग में ये चीज बिठा ली कि बेटा तेरे को बीच में टाइम मिलना ही नहीं है, आज पेपर है, कल फिर पेपर है, परसों फिर पेपर है, तो तू लर्निंग का तो भूल जा, बस रिवाइज रिवाइज करना है। और अपने उसी स्टाइल से कि बुक को बंद करना है, टॉपिक्स एक जगह लिख लेने, टॉपिक देखो खुद को समझाओ, टॉपिक देखो खुद को समझाओ, ठीक है। और अटकने की कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं तो आर या पार का फैसला है, फेल हो जाएगा या फिर या तो कुछ बन जाएगा या बेकार हो जाएगा। तो ऐसे ही फर्स्ट यूनिट का लिखा, ऐसे ही सेकेंड यूनिट का लिखा, ऐसे ही थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ का। और आप यकीन मानना कि मुझे वो जो 3 दिन थे, वो जो 3 दिन मैंने जो पेपर दिए हैं, उन 3 दिन में मैं आराम से सोया हूँ, उनमें आराम से मैंने 8-8 10-10 घंटे की नींद ली है।
जबकि एग्जाम में बच्चे 3 घंटे 4 घंटे की नींद लेते हैं, कई बच्चे तो बिना नाश्ता करे चले जाते हैं टेंशन में पेपर देने, नाश्ता नहीं करते कि नहीं मम्मी नींद आएगी वहां पर, नाश्ता नहीं करूंगा। तो ये जो जो कुछ भी है ये सब कुछ हमारे माइंड में ही है। अभी प्रॉब्लम आप लोग जो झेल रहे हैं वो ये ऑनलाइन की प्रॉब्लम झेल रहे हैं, और कुछ बच्चों को तो इसी चीज का स्ट्रेस हो गया कि 16 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं। अरे स्कूल खुल रहे हैं तो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, अब से पहले नहीं खुले थे क्या स्कूल? ठीक है जाएंगे जाएंगे स्कूल जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि भाई आपको रेगुलरली आने के लिए फोर्स नहीं करा जा सकता, क्योंकि सिचुएशन अभी बहुत अच्छी तो नहीं है, तो रेगुलरली आने के लिए फोर्स नहीं करा जा सकता। तो ये तो उस चीज की तो टेंशन छोड़ो, लेकिन तैयारी अपने हिसाब से शुरू करो। तो ये सब कुछ जो है ना ये स्ट्रेटेजी बनाओ आप। हो सकता है मेरी बातों में शायद कोई चीज आपको काम की लगी हो, शायद कुछ लग रहा हो कि हाँ ऐसा तो मैं भी कुछ करता हूँ, लेकिन ये चीज मैंने कभी नहीं करी, मैं इस चीज को कोशिश करके देखता हूँ, वैसे करके देखना। और जो सिलेबस है, सिलेबस आपका एक तो देखो रिड्यूस्ड सिलेबस दिया है इन्होंने, लास्ट ईयर जो 12th को मिला था ना सिलेबस वही आपको मिला है। उसके साथ साथ जो दूसरी चीज है वो ये है कि उस वो जो रिड्यूस सिलेबस है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जहां उन बच्चों को पूरा पूरा प्रिपेयर करना पड़ रहा था, आपको बस ये फर्स्ट बुक ही तो करनी है, नवंबर तक आपको ये फर्स्ट बुक ही करनी है, ठीक है, और उसके बाद आपको फिर वो सेकंड बुक करनी है, फिर इस फर्स्ट को भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि फिर ये फर्स्ट भी आएगी उसमें, तो ये बहुत आपको गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दिया है। तो इसमें तो मौका है खींचने का, नंबर अच्छे स्कोर करने का मौका है, ठीक है ना। और जो होशियार बच्चे हैं वो तो लग भी गए हैं काम पर, अभी से लग गए हैं कि भाई मेरे को अभी करना ही करना है। तो अगस्त तो चल ही रहा है ना, अगस्त चल रहा है, 7 तारीख हो गई, तो फिर अभी बीच में रक्षाबंधन आएगा, फिर 15 अगस्त आएगा, हाँ जन्माष्टमी, तो ये थोड़ा त्योहारों वाला है, इसमें रिलेटिव्स भी आते हैं, है ना। तो एक दो दिन, एक दिन पहले का और एक दिन बाद का बर्बाद होता है उसमें। कैसे कि भाई मान लो हमारी बहन आने वाली है घर में, तो हमें एक दिन पहले उसकी प्रिपरेशन करनी है, फिर वो आए घर में तो नेक्स्ट डे तक थोड़ा सा जो भी वाइंड अप वगैरह करना है उसमें, मतलब थोड़ा सा माइंड जो है खास तौर पर जो स्टूडेंट है उसका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो वो जो रिदम बना रहता है ना वो एक रिदम टूट जाता है। या तो आप इतने स्ट्रिक्ट हो जाओ कि भाई मेरा कोई भी रिलेटिव आएगा भाई मैं अपने कमरे में, मैं बाहर नहीं निकलने वाला या मैं बाहर नहीं निकलने वाली, या तो आप इतने स्ट्रिक्ट हो जाइए, 1 महीने बाद इतना स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर कुछ करना है तो। नहीं तो फिर ना वो बड़ा ना वो बड़ा दुखद होता है कि यार यहाँ से राजनगर एक्सटेंशन से निकले, चल भाई आर के जी आई टी में ले ले एडमिशन, है ना। तो कॉलेज मेरा कहाँ पर है जी, चौराहे पर कॉलेज है मेरा, तो वो बड़ा वैसा होता है। और मैं खुद यहाँ पढ़ा चुका हूँ, RD कॉलेज में मैं पढ़ा चुका हूँ, 8 साल पढ़ाया है यहाँ पर, तो आप ये देखिएगा कि मुझे वो भी चीज पता है कि कितने कितने फॉल्स प्रोमिसेस करे जाते हैं। भाई जो यहाँ के लोग हैं वो यहीं के लोग हैं ना जिन्होंने वो कॉलेज भी बनाया है, वो यहीं के लोग कोई बहुत ज्यादा सच्चे तो है नहीं, ठीक, वो झूठ बोलने में तो पता नहीं कुछ अपनी शान है, झूठ बोले बिना तो काम ही नहीं चलता, है ना। तो वो जो धोखा है ना वो धोखा फिर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में निकलता है। तो उस चीज को आप ये ध्यान रखो कि यही चीज जो है ये आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है, कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। तो आप बस ये टारगेट लेकर चलिए कि ये यूनिवर्स नहीं है, ये दुनिया नहीं है। हमने ये देखा कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा है सब कुछ, सारी फैसिलिटीज है यहाँ पर, लेकिन ये फैसिलिटीज कुछ नहीं है, जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा। आप गुजरात चले जाइए, आप गुजरात चले, तमिलनाडु चले जाओ, गुजरात चले जाओ, आप कोई भी स्टेट देखो, मतलब हमारा जो स्टेट है वो ग्रो कर रहा है नो डाउट, लेकिन क्या है कि अगर हम बेस्ट हैं तो हम बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं, हम बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं, तो हम वहां तक जाने की कोशिश करें, हम वहां तक जाने की मेहनत करें। और वो ये किताबें ही पहुंचा सकती हैं वहां पर, कोई और चीज नहीं पहुंचा सकती। कि आप सोचोगे नहीं वहां तो मैं वैसे भी चला जाऊंगा, वैसे चले जाओगे यार, 2 दिन जाओगे 4 दिन जाओगे, आपकी किताबें आपको इस लेवल का बनाएंगी, इस जो आपकी जो कदर है ना वो कदर आपकी नॉलेज से ही बढ़ेगी। जब जाते हैं ना तो साउथ इंडियंस जो है, साउथ इंडियंस दे आर फार सुपीरियर फ्रॉम अस, हमसे बहुत आगे हैं वो लोग, क्योंकि उनका सोचने का तरीका अलग है। जितने भी रिसर्चेस हैं, आपको पता होगा कि जो श्रीधराचार्य रूल है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसको बोल देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन श्रीधराचार्य जो है वो साउथ इंडियन थे, और उन्होंने क्या करा था, उन्होंने उस टाइम पेटेंट कराया था इस चीज को, जब बहुत ज्यादा ये रहता था कि हर चीज में न्यूटन, हर चीज में आइंस्टीन, उनका इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, वो लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे, तो इंटेलिजेंस ही हमारे यहाँ पर भी थी। तो आप ये देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े जो हुए हैं, या फिर आप जगदीश चंद्र बोस को देख लीजिए, तो आप ये मेरे को चलो एक चीज बता दो, कोई एक नॉर्थ इंडियन तो बता दो साइंस के फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में, कोई एक नॉर्थ इंडियन तो बता दो, नहीं है। तो हम जरा नॉर्थ से निकल के थोड़ा सा साउथ की तरफ चलें, तो
आप देखिएगा कि वहां पर बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा आगे हैं हम लोगों से। और फिर उन लोगों का ये रहता है कि भाई हमें वहां पर जो लोग पढ़ रहे हैं तो वहां पर उन लोगों की कदर है। फिर आप कहीं से भी आइए, किसी भी कंट्री से आइए या किसी भी स्टेट से आइए, तो वहां पर आपकी नॉलेज की कदर है। अगर आप नॉलेज की बात कर रहे हैं, आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करें, रोबोटिक्स की बातें करें, तो तब तो लगता है। तो वहां के स्टूडेंट्स का एक कल्चर ही अलग है, उनका बातचीत करने का तरीका ही अलग है। यहाँ पर तो ये है कि अगर चार पांच लड़के खड़े हुए इंजीनियरिंग कॉलेज में, देखियो क्या पहन के आया है ना, उसी चीज पे हंस रहे हैं। तो उनका उनका वो सोचने का तरीका ही है। कोई लाइब्रेरी में बैठा नहीं दिखाई देता, लाइब्रेरियां खाली खाली रहती हैं कॉलेजेस की यहाँ, कोई लाइब्रेरी में बैठा हुआ नहीं दिखाई देता। कोई आपस में किसी भी लेटेस्ट टॉपिक पर, जो भी टेक्निकल टॉपिक, ये फालतू के पॉलिटिकल टॉपिक्स नहीं, ये तो चली चलते ही रहते हैं, ड्रामेबाजी पूरे वर्ल्ड में चल रही है। उधर तालिबान ने अटैक कर दिया, उधर अमेरिका ने अपनी फोर्स हटा ली, तो ये तो सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन आप जो हो, आप अपना ये प्राइम टाइम मिस मत कर देना, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ कि मतलब मैं रात में फ्री होता हूँ, रात में फ्री होने के बाद मैं टीवी के आगे बैठ जाता हूँ, टीवी के आगे बैठने के बाद में मेरा मन ही नहीं करता थकने का। वो आजकल तो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं टीवी, तो वो बैक टू बैक, वो यार ये वीडियो और देख लूँ बस, ये तो बड़ी काम की लग रही है ना। और उसको देखते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15, दो दो तीन तीन घंटे लग जाते हैं। और लॉकडाउन में तो कई बार ऐसा हुआ है कि रात में मेरे को 2 बज गए, 3 बज गए, सोते सोते आंखें लाल रहने लगी है ना, चेहरे पर थकान रहने लगी, मन नहीं कर रहा है किसी काम को करने का, फिर मन कर रहा है सो जाओ। वो तो दिन में सो रहे हैं, रात में उल्लुओं की तरह जग रहे हैं। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं, इसमें आप लोग जैसे छोटे हैं, अभी बच्चे हैं, तो आप लोग उतने समझदार नहीं है। तो मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और हो सकता है कहीं ना कहीं या किसी ना किसी दिन आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, ये टाइम वेस्ट हो गया हो आपका। फिर नेक्स्ट डे बड़ा पछतावा होता है कि यार ट्यूशन में भी पहुंच गए, और ऑनलाइन टीचर ने पूछा कि आपने होमवर्क किया या नहीं करा, तो उधर से ऑनलाइन किसी का जवाब ही नहीं आ रहा है। तो जवाब नहीं आ रहा है तो उससे हमें क्या लगता है कि या तो मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, या नेटवर्क की प्रॉब्लम आपकी तरफ हो गई। और जो सबसे बड़ा जो चीज़ है वो ये है कि या फिर आपने कुछ करा ही नहीं, जैसे आप थे कल वैसे ही आप आज हो, आकर क्लास में आप वर्चुअली बैठ तो गए हैं लेकिन दिमाग में कोई चीज जा नहीं रही है। क्यों? क्योंकि पुराना रिवाइज नहीं कर रखा है। और फिर धीरे धीरे करके चीजें इतनी पाइल अप हो जाती हैं, इतनी पाइल अप हो जाती हैं कि फिर ये लगने लगता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। फिर आप ना शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं कि चल कोई यूट्यूब पर वीडियो ही देख ले, इसमें से समझ ले चीज को, है ना। सर के तो बड़े लंबे प्रोसीजर्स हैं, बड़े लंबे मेथड्स हैं। अरे बड़े लंबे मेथड्स तो हैं, लेकिन वो जो तरीका है उस तरीके से चीजें दिमाग में बैठेंगी, ठीक है ना। तो वो चीज जो है वो साथ साथ अगर आप करेंगे तो बाई लैप्स एंड बाउंड्स तरक्की होनी होनी है, होनी होनी है। ये खुद का मेरा आजमाया हुआ है, मैंने खुद देख रखा है, और बहुत अच्छे भी मार्क्स में लेकर आया हूँ। और आज आपको मैंने ये भी बता दिया मैं फेल भी हुआ हूँ, ठीक है ना। आईआईटी के मेंस में फेल हुआ हूँ, और इंजीनियरिंग में भी एक सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ हूँ, और वो फेल होने वाले इतने शर्मनाक नंबर थे कि मैं बता नहीं सकता। 100 में से 11 नंबर डूब के मरने वाले नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर जाए, ये है कि गिरे हैं तो फिर उठे, फिर उठे। हालांकि उसके बाद भी वो सब्जेक्ट ही इतना टफ था, उसके बाद भी मेरे 100 में से 47 ही आए, पर एटलीस्ट चलो मैं पास हो गया। जब दोबारा दिया ना, मैंने बताया ना जब वो 3 पेपर लाइन से हुए थे, फिर 100 में से 47 आए। माइक्रो प्रोसेसर निकल गया अच्छे मार्क्स के साथ, इंटीग्रेटेड सर्किट निकल गया, लेकिन वो सब्जेक्ट ही कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावरफुल ही था सब्जेक्ट। आज भी उसका डर बैठा हुआ है मन के अंदर, पर अगर कॉलेज में मिल जाता है ना वो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, मैं पहले ही सरेंडर कर देता हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये बच्चे हूटिंग कर करके मार डालेंगे, मुझसे नहीं पढ़ाया जाएगा ये, है ना। तो मतलब होता है कई चीजों में हम बहुत अच्छे होते हैं, कईयों में अच्छे नहीं होते। तो मेरे मेरी आप मानिएगा, तो ये काम आप करके देखना। बहुत सारी जो चीजें बताई हैं इनमें से कोई भी चीज काम की लगे वो ध्यान रखो। और रिवीजन के लिए ना किसी टीचर को, किसी पर्टिकुलर ट्यूशन टीचर को, किसी स्कूल टीचर को, या आपके पेरेंट्स को पीछे ना पड़ना पड़े, क्योंकि दिमाग में ये रहे कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, अभी मैंने क्लास मेरी खत्म हो गई है, मुझे घर पर जाकर करना क्या। जब आपको लगे पढ़ते पढ़ते कि थकान हो गई है, तो थकान होते टाइम फिर आप सोओगे, तो सोते टाइम सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि जी मैं तो सो गया फिर मेरी आंखें नहीं खुली, मैं क्या करता, मम्मी ने नहीं उठाया तो मतलब मम्मी ना लायक है, पापा ने नहीं उठाया तो पापा ना लायक है। भाई आप अगर सोच कर सोओगे ना कि अब मैंने ये चैप्टर अपना कर लिया है, मेरे को उठ के ये चैप्टर करना है, आप देख लेना आपकी आधे घंटे पौने घंटे 1 घंटे बाद अपने आप आंख खुलेगी, अपने आप आंख खुलेगी। मोबाइल फोन को साइड में कर दो, है ना, मोबाइल फोन को साइड में कर दीजिए, मोबाइल फोन का ये फिक्स रखो कि मुझे बस ये मैसेज देखना, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है बस। और उसके अलावा फालतू नहीं कि अरे यार ग्रुप बना हुआ है दोस्तों का, चल भाई चैटिंग ही कर रहे,
चलो जी एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं, है ना। पता चला कि किसी दोस्त की बात बुरी लग गई, कहीं से जो है नेट से गधे का फोटो लिया, वो चिपका दिया, देखिए तू है ना, ये करके ये बड़ा चलता है ना आजकल, है ना। देख तेरे को तेरी फोटो भेज रहा हूँ, ऐसे करके, तो मतलब बस टाइम वेस्ट चल रहा है। तो वो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके का कोई भी इन चीजों में पढ़ो मत। मोबाइल फोन मजबूरी है, लेकिन उसको ऐसा मत करो कि बिल्कुल ही आपका पढ़ाई पर वो असर डाले, ठीक है। अच्छा दूसरा मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अभी है टाइम या नहीं। चलिए मैं आपको ये